सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, या फिर आप टॉपिक बोलिए, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे नीट और JEE में भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आज के इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आज के इस वीडियो में टोटल कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट हम लोग इसके कुछ लेक्चर्स पार्ट में डिवाइड कर करके लाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं, पहला ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एम मास है, ये एम मास है, ये 2m है, ठीक, एम बोलिए, या फिर दोनों mm मासेस है। सर क्या है, दोनों mm मासेस है। अब बताइए, ये जो दोनों मासेस हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो दोनों मासेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये जो मास होगा, ये मास होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये मास जो होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इन दोनों मासेस हैं, ये जो दोनों मासेस के बीच में कोई ऐसा फोर्स है जो कि इन दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि एक आपने कहानियों में अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप क्लास 6, 7, 8 में होंगे, उस समय आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों के ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। कैसे, उनके वो ऐसे किताब पढ़ रहे थे, उनके सर पे एक एप्पल गिरा। बट ये एक मतलब कि कोई सच्ची कहानी नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा थ्योरी कोई एप्पल पे नहीं दे सकता। इनसे पहले भी गैलीलियो आए थे, केपलर आए थे, ये सब लोगों ने भी सोचा था कि कोई ऐसा फोर्स तो जरूर है जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहा है। बट उनके मतलब कि उनके पास कोई इतने अच्छे खासे सबूत नहीं थे कि उनको पूरा एक्सप्लेन कर पाए। बट जब न्यूटन आए, उन्होंने सोचा कि यार ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में मतलब इतना ज्यादा इसका क्रेज है। ये तो उन्होंने ऐसे पूरी उसकी स्टडी करके निकाली थी कि ये है ग्रेविटेशन। क्या है ये है ग्रेविटेशन। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसी से हम लोगों का एक रूल, ये जो लॉ है, ये निकल के आता है, ये फॉर्मूला F=gm1m2/r2। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए। अच्छा, ये मैंने जो मासेस वाला एग्जांपल लिया है, इसका एक पहली बात है कि ये सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या है, देखिए, ये जो कि हम लोगों का ये F है, ये F क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये क्या है, सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ये जो दोनों मासेस हैं, ये एक दूसरे को सीधे सीधे क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर ले रहा, या फिर ऐसे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर ले रहे, या फिर कुछ इस टाइप से ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे ही सीधे क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की वजह से। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स दोनों सेंटर्स के द्वारा लगाया जाता है उसे ही कहते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इन दोनों से जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। ओके, सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस पर अभी सब क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि मैं आपको करवाऊंगा। सेकंड है अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो दोनों फोर्सेस है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन से फोर्स है, अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि बाकी कुछ फोर्सेस होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल साउथ और नॉर्थ, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। बट जो चार्जेस होंगे, अगर निगेटिव, जैसे कि कोई चार्ज नॉर्थ है, दूसरा भी नॉर्थ है, अगर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। मतलब कि ऐसे जो चार्जेस आए, दोनों को अलग अलग कर दिए, उनसे ही कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो दोनों मासेस हैं वो एक दूसरे को सीधे सीधे अट्रैक्ट करेंगे, ना कि रिपेल करेंगे, सीधे अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको हवा में फेंकूंगा, नीचे आएगा, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो अर्थ है अपने सेंटर से इसके सेंटर की तरफ, जो मास, ये जो हम लोगों के पास ये मास है, इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम लोगों का अर्थ है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टडी टेबल पे बैठे हैं, आपने पेन लिया, आप पेन लेकर खड़े हुए, और या फिर आप ग्राउंड में जाइए, तो क्या करेंगे, अगर आपके पास फुटबॉल है,
फुटबॉल लीजिए, उसे ऊपर की तरफ उछालेंगे, जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये है लैंड, इसे हम लोग मान लेते हैं ये पार्क है। क्या है ये? पार्क है। यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने फुटबॉल को ऊपर की तरफ उछाला, तो इसका जो मास है और अर्थ का मास, जो अर्थ का सेंटर है, दोनों का सेंटर, इसका सेंटर और अर्थ का सेंटर, ये जो अर्थ का सेंटर है इसके सेंटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और तो खींचेगा तभी ना, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि दोनों के सेंटर्स पर लगता है और इसी के कारण एक दूसरे को सीधे सीधे खींचते हैं। तो इसीलिए जो फुटबॉल है डायरेक्टली नीचे की तरफ खींची जाएगी, क्योंकि अर्थ का जो सेंट्रल फोर्स है इसे खींच रहा है अपनी तरफ। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट है फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब ये जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो दो मासेस हैं, इन दो मासेस को हम लोग ले गए पहले पानी में, पानी में ले गए और इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल समथिंग आया, समथिंग आया, और जैसे कि हाँ ठीक है समथिंग आया, और इन्हीं जो दो मासेस हैं इनको हम लोग हवा में लेके गए, तो इनके भी जो बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही आएगा जितना कि पानी में आया है, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, सेम रहेगा, ना कि चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट है एफ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब ये देखिए यहाँ पे होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, जो इस पे जो सेकेंड वाला जो है सेकेंड मास एम वन एम टू, ये जो मास वन के ऊपर कौन सा मास फोर्स लगा रहा है, एम टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये जो फोर्स ऑन टू है ये मास टू पे पहला वाला फोर्स अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, नेक्स्ट है, और ये माइन देखिए मासेस क्या है, सेम है और बट इनका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। अब देखिए फोर्स ऑन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर पॉइंट, इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ये जो वैलिड है ये इसके लिए है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है There are two identical balls, okay? The radius is r and they are made up of same materials. इतना तो पता ही है कि जो जब दो identical balls है तो same material के बने ही रहेंगे। The force of gravitation between them is F, then F is proportional to 1 by r square, second option is r square, third option is 1 by r के r to the power of 4, d है r to the power of 4, okay? तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लगाने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे क्या लगेगा, सॉल्यूशन इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, क्या लगेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स टू आर स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में, इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square। अब आप लोग क्या लगा देंगे, आप लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि तब ये वाला हम लोगों को ऑप्शन है सही है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, बट ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आप लोग अगर ये लगा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, तो आप लोग गलत हो। क्यों, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब सॉरी फॉर्मूला तो यही लगेगा, यही लगेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, बट यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि ये दो मासेस, जैसा कि क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया, देयर आर टू आइडेंटिकल बॉल्स, ओके, ये है एम, ये है एम, इनके बीच का ये होगा आर, रेडियस आर है, ओके, लेट द मासेस M1 and M2, ओके, लेट द डेंसिटी इज इक्वल टू रॉ, पता है ना क्या होता है, ओके, रॉ तो आपको पता ही होगा, क्लास 11 में पहुंच गए, रॉ पता ही होगा, लेट द डेंसिटी बी रॉ, ओके, so m is equals to क्या हो जाएगा, m is equals to rho
इंटू वॉल्यूम, रॉ इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं बताओ? एम इज इक्वल टू रॉ इंटू वॉल्यूम। अब आगे देखते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा रॉ इंटू वॉल्यूम, एम इज इक्वल टू रॉ 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कई कई जगहों पे किताबों में लिखा जाता है डी स्क्वायर, भाई आर लिखो या डी लिखो, बट क्या होता है ये जो आर स्क्वायर या डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो उतना ही है। ये आर क्या होता है, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ये बात आपको बताना भूल गया, खैर आपको इतना तो पता होगा, इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी, क्लास नाइन में हम लोग पढ़े थे 6.67 × 10⁻¹⁻ N·m/s, N·m² ओके, 6.6 × 10⁻¹⁻ इतनी इसकी वैल्यू होती है, इतना आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था। ओके, एम वन एम टू क्या होता है, मासेस होते हैं, आर स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, एम वन और एम टू का बीच का डिस्टेंस। खैर ये सब आप, ये सब बेसिक चीजें होती है, अपने क्लास इलेवंथ में पढ़, क्लास नाइन्थ में पढ़ चुकी है, हम लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। एफ इज इक्वल टू जी रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर अपॉन आर, 4R होगा, 4R होगा, 4R स्क्वायर। अब इतना आप लोगों ने आई होप इतना उतार लिया होगा, अभी मैं इसे इरेज करता हूं। यहाँ पे पाई आर क्यूब होगा, पाई आर क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिकल बॉल्स, और यहाँ पे आपका आएगा, इसको हम लोग करेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर ऑफ 6 अपॉन आर स्क्वायर, बताओ होगा कि नहीं, 4/r² यस। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू r² एफ आर टू दी पावर ऑफ 4, कट जाएगा कि नहीं बताओ, कट जाएगा। सो हम लोगों का आंसर क्या होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू r² 4, ऐसे लगेगा आंसर। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, इसमें हम लोगों का इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, जो कि कहता है 4 is proportional to 1/r². ओके, हम लोगों ने मासेस क्या मान लिए, m मान लिए, मासेस m1 m2 मान लिए, और हमको क्योंकि पता नहीं था डेंसिटी क्या मान ली, रॉ मान ली, क्या मान ली, रॉ। सो मास इज इक्वल टू रॉ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है, मास इज इक्वल टू रॉ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मैं ये सब चीजें बिठा देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, आपको समझने में आसानी हो। खैर आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, टू आइडेंटिकल बॉक्स है, ओके यहाँ पे ऐसा होगा। सो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, आर टू दी पावर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है। ओके मैं इसको सही से बना देता हूँ, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर ऑफ 6 अपॉन आर स्क्वायर, देन एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर ऑफ 4, क्यों, क्योंकि ये कट जाएंगे। तो हम लोगों का कौन सा आंसर होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर ऑफ 4, बट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लगा देते हैं 1 to the power of r², क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ में साफ साफ ऐसा लिखा है, बट ये होगा नहीं। ओके इसलिए ये डाउट में ना फंसिएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आर टू दी पावर ऑफ 4 होगी, कैसे होगा मैंने प्रूफ करके भी दिखाया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू मासेस ओके विच आर इन इनिशियल कंडीशन, एम वन मूविंग विथ 2 m/s एट रेस्ट एंड एम टू इज एट इन्फिनिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास। ओके जैसे कि हम लोगों को डायग्राम में बताया गया, जैसे कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास जो है उसका
मास उसका वेट कितना है 10 kg है ओके, और जो दूसरा है उसको 2 kg का है। जो 10 kg वाला मास है वो 2 m/s की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और जो ये आपका 2 kg वाला मास है ये इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है इन्फिनिटी पे, और तब हम लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। दोनों रेस्ट में है, दोनों क्या है रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है। सो आपके पास ऑप्शंस है -2 m/s, -10 m/s, +10 m/s, +2 m/s। मैं बताता हूँ इसका आंसर होगा -10 m/s। आप लोग इसे लगाइए, आप लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके इसे लगाएंगे, आप लोग पहले इसे लगाइए वीडियो पॉज करके फिर मैं लगाऊंगा। चलिए अब मैं इसे करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों रेस्ट में हैं तो F net will be zero. If F force force on center of F net is equals to zero, then A center of mass will also be zero. Okay? Then V center of mass will be constant. What? Constant, not zero. ये constant रहेगी ना कि zero रहेगी, ताकि zero नहीं हो सकती। Force net कितना होगा? Zero होगा, okay? अगर force net zero रहेगा तो acceleration भी कितना रहेगा? Zero रहेगा। But V center of mass कितना रहेगा? Constant रहेगा, ना कि zero। क्योंकि उसके कुछ कुछ particles होंगे, some particles। अगर आपने center of mass वाली मेरी video नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देखो, ये वरना समझ में नहीं आएगी। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि इन ये पूरा मास है, ओके? इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, इतना इसका टोटल मास कितना है? m है, ओके? ये ग्रेविटेशन वाला वीडियो है, बट फिर भी मैं इसे आपको सेंटर ऑफ मास से समझा रहा हूँ। जैसे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा जीरो, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। ए सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो बी जीरो, बट V center of mass will be constant. Why? क्योंकि देखो इसकी कुछ velocity होगी, इसकी कुछ velocity होगी, ये कुछ velocity से आगे बढ़ रहा है, ये कुछ velocity से आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगी? Constant होगी, ना कि zero. क्योंकि इतने इतने particles से क्या निकालोगे, कितने का निकालोगे? इसलिए V center of mass क्या है? Constant है, but A center of mass acceleration जो है वो zero है, force on net वो भी zero है, वो roll कर रही है, roll कर रही है मतलब कि आगे भी बढ़ रही है। जो ये मान लीजिए टायर है, और एक एग्जांपल से समझो, ये एक टायर है, ये रोल करते जा रहा है, रोल करते जा रहा है, रोलिंग में है मतलब कि आगे भी बढ़ रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है, ओके? मतलब रोलिंग में है। चलिए इतना आप लोगों ने समझ लिया। वी सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वी सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर आपको वी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकालने आता तो आप सेंटर ऑफ मास वाली वीडियोज में जाके देखिए, उसमें मैं आपको बताया था। सो यहाँ पे 10 × 2 + 2V/10 + 2 होगा, बताओ होगा? V center of mass इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 20 + V, 20 + 2, 2V, then 2V = -20, V = -10। This is answer. बताओ होगा कि नहीं होगा? जीरो क्या है हम लोगों का? V center of mass. 10 × 20 plus ये होगा 20 + 2V. 2V = -20, V = -10. तो हम लोगों का क्या आंसर होगा? -10 m/s. मैंने बोला था यही आंसर आएगा, -10 m/s आंसर। फिर से बता देता हूँ, F net कितना है? जीरो। A center of mass यानी कि acceleration on center of mass कितना होगा? जीरो होगा। So अगर acceleration on A center of mass is equals to zero, then the V center of mass will constant, not zero. This will be constant. And the V center of mass is equals to 10 × 2 + 2V/10 + 2. V center of mass is zero. Zero is equals to 20 + 2V. 2V = -20. And V = -10 m/s. After simplifying this, we get -10 m/s, and the -10 m/s is our
आंसर, ओके ये हम लोगों का क्या है आंसर है। आप लोग इसको क्या करेंगे फिर लगाएंगे, ओके आप लोग इसको फिर लगाइएगा। ये एक तरीके से सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भी हो गया, सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन हो गया और ग्रेविटेशन से भी हो गया। मैंने आपको इसमें एफ नेट वाला भी समझा दिया था, ओके तो आज का ये जो वीडियो है हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।